यह वीडियो किसी भी तरह विज्ञापन प्रेरित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए सौदा का जिम्मेदार नहीं होगा। अपने पैसों का निवेश स्वविवेक से करें। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज सौदागर का कैमरा दोबारा पहुंच चुका है बालेवाड़ी लोकेशन यानी कि पुणे वेस्ट में। आज आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे कुणाल कैनरी प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू। सबसे पहले आपको यहाँ का एरियल व्यू दिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट के रिव्यू में आप तमाम एंगल पे देख पाएंगे जैसे लगातार हम लोग रिव्यू के वीडियोस में आपको दिखाते हैं। यदि प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिए ही, और लगातार पुणे रियल इस्टेट से जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए, पुणे शहर से जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और इसमें हमने लगातार जो नई नई चीज़ें ऐड की हुई हैं उसे आप आगे देखेंगे। यदि पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ के एरियल व्यू को। तो आइए साथियों, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के रोड कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। यदि आप मुंबई पुणे हाईवे से आ रहे हैं तो जहां पे आपका श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स महाड़ूंगे का स्टेडियम है, उसके सामने से सीधा अंदर की तरफ रास्ता आ रहा है जो कि बालेवाड़ी रोड के नाम से जाना जाता है। इसी रोड पे थोड़ा आगे आके आपको लेफ्ट टर्न लेना है, जो रास्ता सीधा आपको गगन क्लारा की तरफ ले जाता है। उसके बगल से ही रास्ता होता हुआ आगे पहुंच जाता है इस प्रोजेक्ट तक, जिसका नाम है कुणाल कैनरी। इस प्रोजेक्ट के पीछे के साइड में अगर आप देखें तो मुड़ा रिवर बह रही है और इसके आसपास तमाम लैंड पार्सल खाली पड़े हैं। इसके पास ही एक ब्रिज जो वाकड़ और बालेवाड़ी को जोड़ता है, उसका भी वीडियो हमने आपको दिखाया था, उसका एरियल व्यू भी अभी आप देख लीजिए, जो सीधा कसपटे चौक पे ले जाके यह ब्रिज कनेक्ट करता है। लेकिन बालेवाड़ी की तरफ अभी कुछ पैच जो रोड का है वो बचा हुआ है बनना। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक नई कनेक्टिविटी भी इस पूरे लोकेशन को, इस प्रोजेक्ट को मिल जाएगी। आइए एक बार देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट, इस लोकेशन के चारों तरफ क्या मौजूद है, उसे एरियल व्यू से आप लोग एक बार समझ लीजिए। अगर हम बात करें ईस्ट साइड की तो इस तरफ आपका मुड़ा रिवर, विशाल नगर और औंध मिलिट्री स्टेशन मौजूद है। वहीं अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो पुणे मुंबई हाईवे है, महाड़ूंगे लोकेशन और श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स महाड़ूंगे भी इसी डायरेक्शन में मौजूद है। बात करें नॉर्थ की तो मुड़ा रिवर इस तरफ भी मौजूद है, क्योंकि नदी आगे से जाके मुड़ती है, इसलिए यह नॉर्थ और ईस्ट दोनों साइड में मौजूद है। वहीं नॉर्थ साइड में ही कसपटे बस्ती है जो कि वाकड़ का पूरा हिस्सा है, बालेवाड़ी वाकड़ ब्रिज भी इसी डायरेक्शन में मौजूद है। बात करें साउथ डायरेक्शन की तो बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट और बानेर लोकेशन साउथ लोकेशन में मौजूद हैं। अभी आपको यहाँ के लोकेशन, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी के बारे में अच्छी जानकारी मिल ही चुकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। बात करें टोटल लैंड पार्सल की तो यह पूरा प्रोजेक्ट 7 acres में फैला हुआ है। टोटल टावर्स की बात करें तो लगभग 8 towers यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिसमें ABCDEFG जो है ये आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट रहेंगे। एच बिल्डिंग जो है वह माढ़ा की बिल्डिंग है एज पर महारेरा, और इसमें कॉमर्शियल्स भी मौजूद रहेंगे। बात करें लॉन्च फेज 1 की तो इसमें 3 towers लॉन्च किए गए हैं, जो है बी, सी और ई। हाइट ऑफ टावर्स की बात करें तो बेसमेंट, ग्राउंड लेवल, 2 levels का पोडियम और उसके ऊपर लगभग 30 floors के टावर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। पूरे प्रोजेक्ट में 910+ units यहाँ पे मौजूद रहेंगी। आइए समझ लेते हैं यहाँ पे मौजूद इन्वेंट्रीज और उसके प्राइसिंग के बारे में। बात करें 2 BHK की तो इसका टोटल कारपेट 832 square feet है, यानी कि इसमें महारेरा कारपेट प्लस बैल्कनी टेरेसेस जुड़े हुए हैं। इसका महारेरा कारपेट भी अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका टोटल पैकेज 1 crore ऑनवर्ड्स जा रहा है। वहीं बात करें 3 BHK की तो 1109 square feet इसका टोटल कारपेट रहेगा। बात करें प्राइसेस की तो यह 1.31 CR से 1.42 CR तक रेंज कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है
कि जल्द ही डी टावर को भी ओपन किया जाएगा, जिसमें 3 और 4 बड़े साइज के मौजूद रहेंगे। अभी जिसका रेरा आया हुआ है जिन बिल्डिंग्स का, उसके प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन की बात करें एज पर महारेरा, तो वह दिसंबर 2026 रहने वाला है। आइए प्रोजेक्ट से की डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं। बात करें हॉस्पिटल्स की, तो जुपिटर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद रहेगा। स्कूल की बात करें तो डेफोडिल इंटरनेशनल स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल प्रोजेक्ट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद रहेंगे, और विप्योर हाई स्कूल प्रोजेक्ट से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। बात कर लें कॉलेजेस की, तो NICMAR प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं GS मोजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बात करें IT पार्क्स की, प्रभावी टेक पार्क प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क हिंजौड़ी फेज 1 प्रोजेक्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। बात करें कुछ बहुचर्चित मॉल्स की, तो फिनिक्स मॉल वाकड़ जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वह प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। वहीं बेस्टेंड मॉल जियोन मॉल प्रोजेक्ट से 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे। बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की, तो पुणे रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद रहेगा। साथियों, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर पहलू को समझना जरूरी है। जहां कहीं भी आपको हमारी मदद की जरूरत हो, डिटेल कंसल्टेशन चाहिए, तो हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। आइए प्रोजेक्ट के प्रोज और इसके कॉन्स को समझ लेते हैं। बात करें प्रोज की, तो प्रोजेक्ट का लोकेशन अच्छा है, प्रॉक्सिमिटी विद IT कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। वहीं अगर आप देखें तो फ्लैट के अंदर जो इन्वेंट्री प्रोवाइड की जा रही है, उसके कारपेट साइज भी अच्छे दिए गए हैं। बात करें कॉन्स की, तो यहीं पास में ही कुणाल एस्पायरी प्रोजेक्ट मौजूद है, जहाँ से हमें जानकारी यह मिली कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वाटर को लेके कुछ इश्यूज बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें यहाँ पे सुधार में आएंगी। बात करें किसे लेना चाहिए किसे नहीं, तो ऐसे लोग जो बड़े कारपेट की तलाश में हैं, पोजीशन के लिए इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट है। पर ऐसे लोग जिनका बजट कम है और जल्दी पोजीशन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट नहीं है। साथियों, आप सभी को सौदाघर का प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने जानने वालों तक भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार हम लोग पुणे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां, पुणे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारियां आप लोगों के सामने ला रहे हैं, उसे लगातार देखते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।